أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो लेक्चर है वो है रिलेटिविटी ऑफ अलकाइनिज्म. ये टॉपिक पेज नंबर 148 पर मौजूद है. अल्काइन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज विल एसिडिक प्रॉपर्टी. अल्काइन में ये दोनों खासियतें हैं, एक तो ये अल्कीन की तरह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है. अल्कीन और ये अल्काइन दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है. याद रखें, जहाँ पर अनसेचुरेशन हो वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी. फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड और कीटोन में, वहाँ कार्बोनल ग्रुप में वहाँ पर अनसेचुरेशन है यानी पाई बांड है, तो वह एल्डिहाइड कीटो आल्सो अंडरगो एडिशन रिएक्शन, बट दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, लेकिन अल्कीन अल्काइन दोनों दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब अल्काइन में एक खास बात जो है वो ये है कि अल्काइन में एसिड खासियत भी होती है और ये प्रॉपर्टी अल्कीन के अंदर नहीं होती है. अब हमारा जो टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन, यानी अल्काइन की रिएक्टिविटी. अल्काइन जो है दे आर लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्कीन. हालांकि अल्कीन के अंदर एक पाई बांड है, अल्काइन के अंदर दो पाई बांड है. दो पाई बांड का मतलब ये है कि इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अल्काइन को ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए एज कम्पेयर टू अल्कीन, लेकिन ऐसा है नहीं है. अब आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तौर पर हम लिखते हैं अल्केन आर लेस रिएक्टिव. अल्केन आर लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्काइन. अल्काइन आर लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्कीन. अब थोड़ा सा हम अल्काइन और अल्कीन को इस टॉपिक में कंपेयर करेंगे. वो ये है कि अल्केन तो सैचुरेटेड कंपाउंड है. अल्केन की रिएक्शन में बहुत फर्क है अल्कीन और अल्काइन के मुकाबले में. हम यहाँ पर जो कंपेरिजन करेंगे वो अल्कीन और अल्काइन का करेंगे. तो द लो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन इज ड्यू टू 2 फैक्टर. नंबर 1, मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ 4 अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल टू फॉर्म 2 पाई बॉन्ड. और सेकंड फैक्टर जो है द मैक्सिमम एस्केलेटर इन द हाइब्रिड एसपी ऑर्बिटल इज कंपेयर टू द एस्केलेटर इन द sp2 इन अल्कीन. अल्काइन के अंदर एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है और अल्कीन के अंदर sp2 होती है. अब वापस आते अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ. मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ 4 अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल. जब अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड बनते हैं तो 2 पाई बॉन्ड ये 4 अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल से बनते हैं, जिसमें एक कार्बन का 2py दूसरे कार्बन के 2py के साथ पेयर्ड ओवरलैप करता है, और इस तरह एक कार्बन का 2pz दूसरे कार्बन के 2pz के साथ ये भी पेयर्ड ओवरलैप करता है. तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए. 4 लोग ऊपर और 4 लोग नीचे. तो जब ये 4 लोग ऊपर और 4 लोग नीचे आपस में ओवरलैप कर जाते हैं तो ये आपस में मर्ज कर जाते हैं, और ये ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है. इस ओवरलैपिंग नतीजे में दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस. कहाँ पर? अबाउट द कार्बन कार्बन इंटर न्यूक्लियस एक्सेस. इंटर न्यूक्लियस का मतलब ये है कि दोनों कार्बन जिस एक्सेस में आते हैं और बांड बनाते हैं, तो इसका मतलब है इंटर न्यूक्लियस एक्सेस. तो यहाँ पर दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस अबाउट कार्बन कार्बन इंटर न्यूक्लियर एक्सेस. और जब ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो हम जानते हैं कि डी इज इक्वल टू m/v, यानी डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. अब जब वॉल्यूम ज़्यादा, यानी ज़्यादा स्पेस गिरते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना मुश्किल होता है. इस वजह मैं इसको सिंपल मिसाल से आपको समझा लूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लास में एक स्टूडेंट है, वो कड़ा है या बैठा हुआ है, इसको मैं ज़बरदस्ती निकालना चाहती हूँ, तो किसी लड़के से कह दूँ कि इसको बाहर निकाल दें. अब वो आसानी से इसको पकड़ के बाहर निकाल देगा, वजह कि वो बैठा हुआ है या कड़ा है. लेकिन अगर लड़का ज़मीन पर लेट जाए, तो जब वो ज़मीन पर लेट जाता है तो ऐसे लड़के को निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. तो यह भी ये इलेक्ट्रॉन अराउंड द
अबाउट द कार्बन कार्बन इंटर डीप एक्सिस, यहाँ पर लेट जाते हैं, जब लेट जाते हैं दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस, और जब ज्यादा स्पेस घेरते हैं, जब ज्यादा वॉल्यूम रखते हैं तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल के लिए यहाँ पर अटैक करना मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू अल्कीन। अब आगे प्रोग्राम चलते हैं, द मैग्नीशियम इज कैरेक्टर इन द हाइब्रिड एसपी ऑर्बिटल एज कम्पेयर टू इज कैरेक्टर इन द एसपी टू इन अल्कीन। जब हम अल्काइन के अंदर होती है हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में जब इस कैरेक्टर निकालते हैं, तो हमारे पास 1s है और 1p है, यानी टोटल हमारे पास दो ऑर्बिटल है। इसमें जब हम इस कैरेक्टर निकालते हैं तो इस ऑर्बिटल a के और टोटल ऑर्बिटल 2 है, और परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50% इस कैरेक्टर, यानी इस p हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो इस कैरेक्टर है वो 50% है। और इसके मुकाबले में जब हम परसेंट इस करेक्टर निकालते हैं इन द sp2 का मतलब ये है कि एक s और दो p, यानी टोटल 3 ऑर्बिटल, तो 1/3 टोटल 3 ऑर्बिटल है, इसमें इस सबशेल का एक ऑर्बिटल है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 33.33%। तो यहां पर अगर हम sp को sp2 के साथ कंपेयर करते हैं तो sp में ये इस कैरेक्टर ज्यादा है। और याद रखिए, टोटल में जरा और वजाहत करता हूँ कि जब हम इस ऑर्बिटल को कंपेयर करते हैं बाकी ऑर्बिटल के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा शेल लेता हूँ जिनमें ये चारों के चारों ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, फॉर एग्जाम्पल आप इन शेल ले रहे हैं, इन शेल में जितने सब शेल थे, इस सब शेल में जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा एज कम्पेयर टू द ऑर्बिटल ऑफ पी सब शेल। और पी सबशेल में जो 3 ऑर्बिटल है, pxy, pyz, वो ज्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस के कंपेयर टू द 5 ऑर्बिटल ऑफ डी सबशेल। और इस तरह डी सबशेल के जो 5 ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे एज कम्पेयर टू द 7 ऑर्बिटल ऑफ एफ सबशेल। तो चूंकि यहाँ पर इस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर या यहाँ पर आप समझे सपोज इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन चौंका, इसमें कार्बन का sp और हाइड्रोजन के इस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और sp में इस कैरेक्टर ज्यादा है। जब इस कैरेक्टर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन माउस से शिफ्ट हो जाते हैं कार्बन की तरफ, वजह कि sp में इस कैरेक्टर ज्यादा है। तो जब sp में इस कैरेक्टर ज्यादा है, द इलेक्ट्रॉन इन द दिस सिग्मा बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड बाय द ओवरलैपिंग बाय द हिट टू हिट ओवरलैप ऑफ sp and s orbital of hydrogen atom, the electron become close to the carbon atom, to the carbon nucleus. और फिर जब इलेक्ट्रॉन कार्बन के न्यूक्लियस के करीब हो जाते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जाएंगे, इतना इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इतने ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से अल्काइन की रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है अल्कीन के मुकाबले में। अल्कीन में चूंकि sp2 है बड़े रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है थोड़े से कार्बन के न्यूक्लियस से दूर होते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, तो इसी वजह से अल्काइन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। हालांकि 2π बॉन्ड होने के बावजूद, 2π बॉन्ड होने के बावजूद इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी अल्कीन के मुकाबले में कम है बिकॉज ऑफ दीज 2 फैक्टर। इट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन, कि वह अल्काइन एसिड कौन से अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, और ये खासियत अल्कीन के अंदर नहीं होती। थैंक यू।